जुलाई के मंथ में काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए, जैसे कि वन प्लस नोट 4, मोटरोला G85, CMFone 1, और अब टाइम आ चुका है अगस्त का और इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी लिस्ट शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं उन स्मार्टफोन से जिनका लॉन्च बिल्कुल पास ही है, और उसमें से सबसे पहला नाम आता है Nothing Phone 2A Plus का। सो Nothing Phone 2A में मिलने वाला है MediaTek का Dimensity 7350 वाला चिपसेट, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और साथ ही में इसके अंदर आने वाला 6.67 इंचेस का एक FHD+ AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, LPDDR4S का रैम टाइप, UFS 3.1 मिलने वाला इसके अंदर, एंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 28,000 से लेकर 32,000 के बीच का, एंड ये लॉन्च होने वाला है 31 जुलाई को। क्या लगता है इस बार क्या यूनिक चीज मिलने वाली है Nothing Phone 2A Plus में आपको? एंड अब सेकंड स्मार्टफोन है Realme 13 Pro की सीरीज, जो कि लॉन्च होने वाली है 30 जून को, और ये आपको अंडर 30,000 रुपीज मिलेगी। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर मिलने वाला Snapdragon 7S Gen 2 वाला चिपसेट, 5000mAh की बैटरी विद 80W की चार्जिंग सपोर्ट, और Realme का जो डिस्प्ले कैमरा यूनिट रहता है वो बड़ा ही अच्छा रहता है। और बाकी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं जब वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। और अब बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की, सो वो है ओप्पो का K12X। सो इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला 6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले, और परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर आएगा स्नैपड्रैगन का 695 वाला चिपसेट, 50+2 MP के कैमरास, 5500mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 45W की फास्ट चार्जिंग को, एंड इसकी प्राइसिंग रहेगी कुछ 15,000 या 16,000 रुपीज की, एंड ये आने वाला है 29 जुलाई को। तो इसका भी लॉन्च अभी होने वाला, तो इसको भी अच्छे से कवर करेंगे वीडियो के अंदर। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें जो कि लॉन्च होने वाला है अगस्त में, सो वो है IQ का Z9S सीरीज। तो ये स्मार्टफोन मिड अगस्त तक लॉन्च हो जाएगा, एंड इसकी प्राइसिंग रहेगी कुछ 20,000 से 30,000 के बीच में, एंड साथ ही इसके अंदर मिलेगा Snapdragon 7 Gen 3 वाला चिपसेट, 6.78 इंच का FHD+ AMOLED कर्व डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 6000mAh की बैटरी मिलेगी जो कि सपोर्ट करेगी 80W की फास्ट चार्जिंग को, 50+2 MP के कैमरास, और IQ ऐसे स्मार्टफोन निकालता है जो कि वैल्यू फॉर मनी होते हैं। सो वाली जो स्मार्टफोन है वो भी लोगों को काफी पसंद आने वाला है। सो स्मार्टफोन की रेस में Motorola भी कैसे पीछे रहने वाला है। सो अगस्त में आने वाला Moto Edge 15 यो स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको मिलने वाला 6.55 इंच का एक FHD+ P OLED डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 7300 वाला चिपसेट, ट्रिपल कैमरा का सेटअप, 50+13+10 MP का, एंड फ्रंट में आकर 32 MP का सेल्फी सेंसर, 4300mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करेगी 68W की फास्ट चार्जिंग को, एंड ये आपको मिलने वाला अंडर 30,000 रुपीज, एंड इसका लॉन्च भी बहुत ही जल्द होने वाला है। एंड अब बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की, सो वो है Poco M6 Plus। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 वाला चिपसेट, 6.79 इंच का FHD+ IPS LCD पैनल विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000mAh की बैटरी रहेगी विद 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और ये आएगा अंडर 15,000 रुपीज। सो मिड रेंज का स्मार्टफोन है तो काफी ठीक ठाक की रेंज में आ रहा है। एंड अब बात करते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की। सो सबसे पहले गूगल की 9 सीरीज, जिसमें आपको देखने को मिलेगा Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Flip, और 13 अगस्त का इसका इवेंट है तो फ्लिप फोन भी आने वाला है गूगल के साइट से। एंड सेकंड स्मार्टफोन है वीवो का V14 सीरीज, जिसके अंदर आएगा V40 या V40 प्रो स्मार्टफोन, एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 9200 प्लस वाला चिपसेट, 50MP का ट्रिपल कैमरा, 50MP का सेल्फी सेंसर, एंड 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। सो यही थी हमारे स्मार्टफोन की लिस्ट जो कि अगस्त में लॉन्च होने वाला है, एंड इसके अलावा और भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो उसको भी हम कवर करेंगे चैनल के अंदर। तो अगर वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी कुछ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखो और सायोनारा।